नमस्कार, बीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। देश दुनिया और शहर की क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। आज सीडी बर्फीवाला जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन को स्थानिक स्वराज्य के स्थापना दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में आज शहर की महानगर पालिका के परिसर में इस दिन को मनाते हुए शहर के मेयर के यू रोकड़िया की ओर से स्थानिक स्वराज्य के झंडे को लहराया गया। स्थानिक स्वराज्य के दिन के चलते शहर में स्थानिक स्वराज्य के झंडे को आज लहराया गया है। दरअसल सीडी बर्फीवाला जी का आज जन्मदिन है और स्थानिक स्वराज्य की स्थापना करने का कार्य सीडी बर्फीवाला जी ने किया था, जिसके चलते उनके जन्मदिन के मौके को स्थानिक स्वराज्य स्थापना दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऐसे में आज शहर की महानगर पालिका के परिसर में शहर के मेयर के यू रोकड़िया के हाथों स्थानिक स्वराज्य का झंडा लहराया गया और इस मौके पर शहर के मेयर के यू रोकड़िया समेत डेप्यूटी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कई नगर सेवक, असिस्टेंट कमिश्नर सुधीर पटेल और दमकल विभाग के कई जवानों की उपस्थिति रही। નાનામાં નાના એકમ રાષ્ટ્રનો ગામનો કે શહેરનો વિકાસ નથી, પરંતુ જો એ નાનામાં નાનું એકમ એટલે કે ગામનો અને શહેરનો આપણી પણ હજારો વર્ષની પરંપરા રહી છે, હજારો વર્ષથી એક રાષ્ટ્રનો વિકાસ એ તેના નાનામાં નાનું એકમ એટલે કે ગામનો કે શહેરનો વિકાસ થાય તો જ શક્ય છે। અને આ જ કારણસર ભારત દેશની સરકારે સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓનો વિકાસ કરવામાં આવ્યો અને આ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓને વધુ કાર્યદક્ષ, સક્ષમ, આત્મનિર્ભર બનાવવા માટેના અનેકવિધ પ્રયત્નો ભારત સરકાર દ્વારા ભૂતકાળમાં પણ ને આજે પણ કરવામાં આવી રહ્યા છે। એને વધુ બળ મળે, સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ થાય અને રાજ્ય હોય કે દેશ હોય એના વિભાજનના કાર્યો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાએ કરવાના હોય છે। ખાસ કરીને પ્રાથમિક સુવિધા લોકોને કેવી રીતે મળે એમાં પણ પાણી, રસ્તો, ગટર વ્યવસ્થા, સ્ટ્રીટલાઇટ વ્યવસ્થા, આરોગ્યની, શિક્ષણની આ દિશાની અંદર કામ કરવાનું એ સ્થાનિક સ્વરાજ્યના ભાગે આવતું હોય છે। અને આજે અખિલ હિન્દ સ્થાનિક સ્વરાજ દિવસની ઉજવણી જેમનો સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓના માર્ગદર્શનમાં ખૂબ મોટો ફાળો છે, એવા સીડી બર્ફીવાલાજીનો આજે જન્મદિવસ છે ત્યારે એમના દિવસે આપણે આ સ્થાનિક સ્વરાજ દિનની ઉજવણી કરતા હોઈએ છીએ અને આના માધ્યમથી સૌ કોર્પોરેટરો, સૌ અધિકારીઓ સંકલ્પબદ્ધ થાય અને વડોદરા શહેરનું નાનામાં નાનું કાર્ય, વડોદરા શહેરનો નાનામાં નાનો પ્રશ્ન હોય એના નિવારણની દિશામાં સૌ આગળ વધીએ, એ જ દિશાની અંદર સૌ આજે ભેગા થયા હતા અને ધ્વજવંદનનો કાર્યક્રમ કર્યો હતો। शहर के निवासी अधिक कलेक्टर और अधिक जिला मजिस्ट्रेट डीआर पटेल का कार्यकाल अब खत्म हो चुका है। दरअसल उनके रिटायरमेंट के चलते आज उनके लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें उनके साथ कार्यरत सभी अधिकारी और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। सभी की ओर से उन्हें गुलदस्ता देकर, मिठाई खिलाकर आने वाली जिंदगी की शुभकामनाएँ दी गई और साथ ही डीआर पटेल की ओर से भी बीते 3 सालों में शहर में उनके कार्यकाल में सहयोग देने वाले सभी का शुक्रिया अदा किया गया। आज रोज हूँ मारी फरज बजावीने निवृत्त थई रह्यो छुं। सरकारी सेवामां लगभग 36 वर्ष ने 10 महीना जेटलो मने समय थयो छे। वडोदरा खाते मने 2.5 वर्ष जेटलो समय थयो। आ समय दरमियान वडोदरा जिल्लानी अने ज्यां ज्यां मारुं पोस्टिंग थयुं त्यां मैं सरकारना नियमो मुजब मारी उत्कृष्ट सेवा आपवानो मैं प्रयत्न कर्यो छे अने લોકોનો પણ મને એટલો સહયોગ મળ્યો છે એટલે તમામ આ તબક્કે હું તમામ લોકો, તમામ પદાધિકારી અને મારા ઉપરી અધિકારીઓ તમામ અને ખાસ કરીને મારો સ્ટાફ એ તમામનો આ તબક્કે હું આભાર માનું છું।
केवड़िया में पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजित की गई राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों के मंत्री सचिव अधिकारी पहुंचे हैं। ऐसे में मंत्री गणपत सिंह वसावा की ओर से इन सभी का स्वागत किया गया और सभी ने मंत्री गणपत सिंह वसावा की अगुवाई में स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े पर्यटक स्थलों का जायजा भी लिया। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से केवड़िया में पोषण माह के उपलक्ष्य में दो दिन के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास कल्याण के मंत्री अधिकारी सचिव पहुंचे हैं और इन सभी ने कल गुजराती आदिवासी महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्री गणपत सिंह वसावा की अगुवाई में केवड़िया के विभिन्न प्रवासन प्रोजेक्ट्स की मुलाकात ली। सभी की ओर से स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े आकर्षण ग्लो गार्डन जंगल सफारी समेत के कई अन्य आकर्षण देखे गए और सभी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो भी देखा। केवड़िया में ये सारे आकर्षण देखने के बाद सभी अधिकारी और मंत्री काफ़ी प्रभावित भी हुए। सात बजे यहाँ आ जाएंगे कि बर्ड्स को सूटेबल एरिया हमने बनाया है कि जैसे केवड़िया में आयोजित की गई दो दिन की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कल केवड़िया पहुंची और उनका स्वागत मंत्री गणपत वसावा की ओर से किया गया, जिसके बाद स्मृति ईरानी ने केवड़िया में नवनिर्मित रेडियो और स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े आकर्षणों की मुलाकात भी ली। केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दो दिन के राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का केवड़िया में पोषण माह के उपलक्ष्य में आयोजन किया गया है, जिसका आज दूसरा दिन है। इसमें विभिन्न राज्यों के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से जुड़े मंत्री अधिकारी और सचिव हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। आज महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनेगी। ऐसे में कल स्मृति ईरानी केवड़िया पहुंची और उनकी ओर से सबसे पहले केवड़िया में बनाए गए आदिवासी रेडियो स्टेशन की मुलाकात ली गई। वहाँ पर कार्यरत आदिवासी महिलाओं को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और उसके बाद उनकी ओर से स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़े विभिन्न आकर्षणों की मुलाकात भी ली गई। केवड़िया सर्किट हाउस पर मंत्री गणपत सिंह वसावा की ओर से स्मृति ईरानी का स्वागत किया गया और उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी पर लेजर शो भी देखा। कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में परम पूज्य व्रजराज कुमार जी महाराज के सानिध्य में संगीत संध्या का आयोजन किया गया था, जिसमें विशेष अतिथि के तौर पर शहर के पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह की उपस्थिति रही। जन्माष्टमी के पर्व पर कल व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल में एक संगीत संध्या का आयोजन हुआ था। बीते 3 सालों से ये आयोजन किया जाता है, लेकिन पिछले साल कोरोना के मद्देनज़र ये आयोजन मुमकिन नहीं हो पाया था। हालांकि बीते 3 सालों से हर साल किए जाते इस आयोजन के तहत शहर के पुलिस कमिश्नर को विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया जाता है। वल्लभ फाउंडेशन ट्रस्ट और वल्लभ सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में ये पूरा आयोजन व्रजधाम संकुल में किया गया था और सभी भक्तों की भी इसमें उपस्थिति रही। इसके अलावा आज आयोजित होने वाले नंद महोत्सव में भी सभी भक्त शामिल होंगे। जन्माष्टमी ना शुभ प्रसंगे व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल खाते संगीत संध्या नु खूब सुंदर आयोजन अहीं करवामां आव्युं छे। गया वर्षे तो कोरोना ना प्रकोपना कारणे जन्माष्टमी जाहेर उजवणी शक्य नहीं थई शकी, पण छेल्ला 3 वर्षों थी आ एक क्रम नक्की करवामां आव्यो छे कि जन्माष्टमी दिवसे संगीत संध्या थाय अने एमां पोलिस कमिश्नर श्री ने आमंत्रित करवामां आवे। भगवान श्री कृष्णनुं प्रागट्य कारावासना अंदर थयुं एटले विशेष एमां अमारी लागणी होय छे कि ए दिवसे पोलिस कमिश्नर जी अहींया मुख्य विशेष अतिथि रूपे उपस्थित रहे। हमणां थोड़ाक समय में ठाकुरजीना प्रागट्यना जन्मना दर्शन खुलशे, पंचामृत स्नान थशे। आखो आयोजन व्रजधाम आध्यात्मिक संकुल अंतर्गत वल्लभ फाउंडेशन ट्रस्ट वल्लभ सेवा ट्रस्ट ना तत्वावधान में अहीं करवामां आव्युं छे अने खूब मोटी तादाद में वैष्णव अहीं संगीत संध्या अने साथ साथ प्रभुना दर्शनों लाभ लेशे। काले नंद महोत्सव में सर्व वैष्णव जोड़ाईने नंद घेरा आनंद भयो करशे।
जूनागढ़ जिले में सप्तमी अष्टमी के त्यौहार को काफ़ी ज़्यादा धामधूम से मनाया गया। जूनागढ़ के केशोद में मौजूद रणछोड़राय जी मंदिर से श्री कृष्ण भगवान की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें वहां के सभी भक्त काफ़ी उत्साह से जुड़े। श्रावण माह में कई त्यौहार आते हैं जिनका सभी भक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सप्तमी अष्टमी के त्यौहारों को लोग काफ़ी धामधूम से मनाते हैं। ऐसे में जूनागढ़ के केशोद में अष्टमी के दिन रणछोड़राय जी मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था और इसके साथ ही जय रणछोड़ के नाद के साथ शहर में श्री कृष्ण भगवान की शोभा यात्रा को घुमाया गया। सभी भक्तों ने भगवान के दर्शन का लाभ भी लिया और श्री कृष्ण के प्रागट्य दिन को मनाया। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। समता इलाके में रामेश्वर महादेव मंदिर मौजूद है। कल जन्माष्टमी के पावन पर्व पर रामेश्वर युवक मंडल की ओर से इस मंदिर में भजन संध्या के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें भक्तों की बड़ी तादाद में उपस्थिति रही। जन्माष्टमी के पर्व के चलते शहर में विभिन्न आयोजन हुए। ऐसे ही शहर के समता इलाके में मौजूद रामेश्वर महादेव मंदिर में भी रामेश्वर युवक मंडल की ओर से भजन संध्या के कार्यक्रम को आयोजित किया गया था, जिसमें पूर्व कॉरपोरेटर राजेश भाई आयरे, वार्ड नंबर 9 के कॉरपोरेटर श्रीरंग आयरे और रामेश्वर युवक मंडल के सभी सदस्यों की उपस्थिति रही। भजन संध्या के इस कार्यक्रम में बड़ी तादाद में भक्त भी जुड़े और सभी की ओर से श्री कृष्ण भगवान के प्रागट्य दिन को उत्साह से मनाया गया। इसके साथ ही भक्तों ने कोरोना महामारी जल्द से जल्द पूरी तरह से खत्म हो जाए ऐसी प्रार्थना भी की। रामेश्वर महादेव मंदिर तेमज रामेश्वर योग मंडल द्वारा कृष्ण जन्म तेमज कृष्ण जन्म निमित्ते भजन संध्यानो कार्यक्रम राखवामां आव्यो हतो। आप जोई रह्या छो कि आजूबाजूनी समग्र सोसायटीना सौ भावी भक्तो अहीं हाजरी आपी छे। साथे साथे ज्यारे पण धर्मनी वात आवे छे त्यारे रामेश्वर युवक मंडळ गणपति होय, दहीहंडी होय के गमे तेवा त्योहारो होय, सौ प्रथम धार्मिक सुविधाओ माटे रामेश्वर युवक मंडळ अग्रे रहीने विस्तारनी एक रौनक ऊभी करे छे। आज निमित्ते भावी भक्तों ने जन्मदिन कृष्ण जन्म निमित्ते हूँ सबने खूब खूब शुभेच्छा पाठू छूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव निमित्ते रामेश्वर युवक मंडल द्वारा सरस फूलों श्रृंगार थी हिंडोला महोत्सव सुंदर आयोजन करवामां आव्युं छे तथा आवतीकाले 56 भोग सुंदर आयोजन है, पछी 1 तारीखे सुंदरकांड और गोपाल कला सुंदर आयोजन है। तो सर्व भाविक भक्तों ने दर्शन माटे पधारवा विनंती। शहर का एक दिव्यांग बालक अंश ठाकर जो जुड़ा हुआ है अर्पण स्पेशल स्कूल से। अंश वैसे तो 19 साल का है लेकिन उसकी मेंटल एज एक 6 साल के बच्चे की तरह है। हालांकि दिव्यांग होने के बावजूद भी अंश शहर के मांजलपुर इलाके में मास्क बेचने का एक स्टॉल चलाता है। दरअसल कोरोना में अंश के माता पिता की नौकरी चली गई, ऐसे में उन दोनों की मदद करने के आशय से लॉकडाउन में अंश की ओर से मांजलपुर इलाके में स्टॉल को खड़ा किया गया और अंश बखूबी से स्टॉल को चलाता भी है। तो आइए बात करते हैं अंश ठाकर से, अर्पण स्कूल के अंश के टीचर से और उनके परिजन से। मम्मी हेल्प कर दी अने पैसा कमा मने जस्ट 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 जस्
રોજ કેટલા માસ લોકો લઈને જાય છે? નમસ્તે, મારું નામ છે કાજલ. હું અર્પણમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી જોડાયેલી છું અને જે અત્યારે જે બાળકને હું તમને માહિતી આપી રહી છું તે દેવેન્દ્ર અંશ દેવેન્દ્રભાઈ ઠાકર છે. તે 2015થી અર્પણ સાથે જોડાયેલો છે અને તે જ્યારે આવ્યો અર્પણમાં ત્યારે એની ક્ષમતા જોઈને તેને પ્રી વોકેશનલ ક્લાસમાં મૂકવામાં આવ્યો છે. તેને વ્યવસાયિક તાલીમ આપવામાં આવી છે અને તેને પૈસાની લેવડ દેવડ, પૈસાને ગણતરી કેવી રીતે કરવાની તે બધું શીખવાડવામાં આવ્યું છે. અને જ્યારે આજે કોરોનામાં એના મમ્મી પપ્પાની જોબ છૂટી જવાથી એણે એની મમ્મીને મદદ કરવા માટે મમ્મીને કહ્યું છે કે મમ્મી મારે તને મદદ કરવી છે, ત્યારે એણે માસ્ક વેચીને અને એની મમ્મીને મદદ કરી રહ્યો છે કે કેટલા માસ્ક વેચે છે એની ગણતરી કરીને એની મમ્મીને આપે છે. એ છે એને અર્પણ સ્કૂલમાં ભણે છે, અર્પણ સ્કૂલમાં ભણે છે. એને મારી સર્વિસ છૂટી ગઈ હતી તો એને કોરોનામાં એને મને સપોર્ટ કર્યો, માસ્ક વેચવા માટેનો સપોર્ટ કર્યો કે મમ્મી હું તને માસ્ક વેચું છું, તને હું મદદ કરું છું. એવી રીતે એ છોકરાએ મને મદદ કરી. એને પૈસા ગણતા અને બધું જ કમ્પ્લીટ આવડે છે અને કંઈક પણ ભૂલ થાય કે પાછું પૂછવું પડી છે. હું એ સંસ્થાને હું પૂરેપૂરો અર્પણ સ્કૂલને પૂરેપૂરો સાથ આપ્યો છે. મારા છોકરાને ઊભો થવા માટે બધી જ રીતે એને વોકેશન માટે બધી રીતે મદદ કરી છે. મેડમ હોય, કાજલ મેડમ છે, એના ક્લાસ ટીચર, એને 100% મારો એક જ ટકો છે પણ મેડમ લોકોનો 100% છે કે હશે ઊભો કરવા માટેનો 100%. अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान. बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर. आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें.